आज फिर तुम। ये पूनम का बर्थडे ड्रेस है, क्वीन कैथरीन मिली थी, उन्हीं के पैलेस पे जा रहे हैं हम। 339 बॉटल ओपनर का कलेक्शन है और लाइटर्स का कलेक्शन। मैं भी अपने महल का कलर यही करूंगा। सही लग रहा है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। आज हम लोग सेंट ये क्या है बे? आज हम लोग जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे खूबसूरत जगह, और सबसे मतलब ये है कि यहाँ पर आने के बाद ये चीज करना एकदम मस्ट है। लेकिन आज मैं और यहाँ पूनम जाएंगे। ये पूनम का बर्थडे ड्रेस है, आज इनका बर्थडे है। कैसे हो? कैसे हो? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये भाई साहब नहीं आएंगे। नहीं भाई, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, दवाई वगैरह का रिसर्च कर रहा था, हेल्थ थोड़ी सी ऐसी है तो रिस्क नहीं लेना है। इनका कोई भरोसा नहीं है, लद्दाख में जो हुआ था वापस वो रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इनको कहा कि थोड़ा दवा ववा ले लो और थोड़ा रेस्ट ले लो, क्योंकि आज भी भागा दौड़ी तो बहुत है। दो जगह हम देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा दूर है यहाँ से, लगभग 50 किलोमीटर दूर। आज एक्चुअली दो जगह हमको कवर करनी है, दोनों जगह 50-50 किलोमीटर दूर है। रेस्ट लो दोस्त, रिकवर हो जाओ, फिर उसके बाद में यहाँ से जब मॉस्को जाएंगे वहाँ मचाएंगे पार्टी करेंगे। पार्टी ब्रो, माहिम के लड़के मॉस्को में, और ये मरोल की लड़की मॉस्को में। ये मॉस्को पहुंचने की बात करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मॉस्को जाके सेम डायलॉग रिपीट करेंगे। हरामी कहीं का। ऑलराइट ब्रो। यस सर। सत्य भाई की याद आ रही है इसलिए। चलो। आज फिर तुम पे। रोज आता प्यार अपने आप पे मुझे। हमारी कैब बुक हो गई। हाँ जी, 2 मिनट में अराइव हो रही है। हम लोग बताए, कल हम लोग जब पैलेस स्क्वायर गए थे वहाँ पर हमें क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन कैथरीन मिली थी, उन्हीं के पैलेस पे जा रहे हैं हम लोग। पहले उनके पैलेस में जा रहे हैं, उनके पैलेस को देखेंगे, और वो पैलेस की एक खासियत है वहाँ पहुँच के बताएंगे आपको। बहुत सुंदर पैलेस है। ऑलराइट, प्रिवेत, नमस्ते। हाँ नमस्ते। निकल लेगी ना, हो जाएगा। हमारे पैसे खत्म हो गए यार, तो अभी वो ATM से निकालने के लिए गई है कैश। जब मैं मुंबई में था ना, मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं यहाँ पर आने के बाद मैं लोगों से कम्युनिकेट कर लूंगा, दिल की बात इनको समझा दूंगा दिल की भाषा से। लेकिन यहाँ पर आने के बाद फेल हो गया भाई। यहाँ पर लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत है। हमको यहाँ पूछना था कि ATM के लिए आपको रुका, हमको टाइप करके दिखाना पड़ा। मतलब हम बोल रहे, समझा रहे, ATM नहीं समझ में आ रहा। इंग्लिश का मतलब एक वर्ड दो वर्ड भी नहीं आता है, इतना दिक्कत है। तो ये चीज ध्यान रखें, कभी अगर रशिया का प्लान बनता है तो सारे लोग को मतलब ऐसे 100 में से एक मिल जाएगा जिसको आती होगी बात, लेकिन ज्यादातर लोग को यहाँ पर कुछ नहीं आता, मतलब इशारे भी समझ में नहीं आते। मिले पैसे? Yes. कितने निकाले? 75 + 5 Okay. Yeah. 7500 वो होता ना, यहाँ का लिमिट है ना। हाँ, इसलिए तो एक उतना पूरा निकाला, क्योंकि अभी 900 इधर जाएगा। हाँ। फिर वहाँ से 900 पीटर ऑफ जाने में लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही अप्रोक्सीमेट। वहाँ से होटल आने के लिए भी अगर 1000 पकड़े, एंट्री के लिए 1000, तो ऐसे 5-6 हज़ार तो आज तो काफी खर्चा होने वाला है। ओके, नो प्रॉब्लम। सामने हमें दिख चुका है एक छोटा सा झलक कैथरीन पैलेस का। कितना हो गया? 952। थोड़ा महंगा पड़ा कि बराबर है, 40 किलोमीटर होगा, 40-45, उस हिसाब से तो ठीक ही है। स्पेसिबा, बाय 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 बाय। देखो पहुंच तो गए, पैलेस को एक्सप्लोर करने में काफी टाइम लगेगा, पहले कुछ खा लेते हैं तभी एक्सप्लोर किया जाएगा। बहुत भूख लग रही है। और यहां पर आने के बाद सिर्फ एक चीज मुझे समझ में आई है कि शावर में ऑर्डर कर दो, सिंपल है। हो गया, हाउ मच? 339 फटे नोट देते। जो इसने बोला ना मैं समझा, दिल की बातें करे सनरीडा। एंजॉय दिस शावर। में हमारे ठीक सामने है क्वीन पैलेस, कैथरीन पैलेस, और उसके साइड साइड में छोटे छोटे स्टॉल है जहाँ पर सुंदर सुंदर चीजें हैं। ऐसा मन कर रहा है कि कुछ ना कुछ ले लूं यहाँ से मैं। ये थे ये वही चीजें जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बहुत महंगा होता है ना। हाँ बताए, 17,000-45,000 कलर्स। बहुत बढ़िया यार, अगर सस्ता वाला है ये तो ले लेंगे आर्या के लिए, खुश हो जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन देखा तूने, गोल्ड का एंड देन ब्लू, फेवरेट कलर है। इट्स रियल गोल्ड, वो देख चमक को, ये सब जो भी ऊपर देख डोम्स और सब पे मेटल दिख रहा है वो सब रियल गोल्ड है। ये बात मैं मान सकता हूँ, यहाँ पर जो पैलेस है जहाँ पर क्वीन रहा करते थे, गोल्ड है यहाँ पर सब, ओरिजिनल गोल्ड। 24 कैरेट, 24 कैरेट की नहीं बता रही, गोल्ड है। 24 कैरेट तो होगा नहीं, बिकॉज 24 कैरेट होगा तो फिर मजबूत नहीं बनेगा वो, लेकिन गोल्ड है।
तेरी नजर ऐसी वैसी चीजों पे पड़ती हैं। अरे नहीं, मेरे पास एक बॉटल ओपनर का कलेक्शन है और लाइटर्स का कलेक्शन। ले सकती है वैसे, ऐसा कुछ अच्छा है, डिजाइन तो काफी अच्छा है। ये एक छोटी सी शॉप है जहाँ से मैं सोच रहा हूँ कुछ एक मेमोरी कलेक्ट कर लूँ, तो मैं ये लेने का सोच रहा हूँ। ये नहीं, ये टेबल पे रखेंगे, बट उसमें ज्यादा चीजें हैं ना। इसमें ब्रिज ओपनिंग अपन ने देखा, उसके बाद में ये कौन सा था, ये जहाँ पर हम जा नहीं पाए थे ना, पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस। हाँ, और ये पिल्ड ब्लड। ये डन करते हैं, पैसे तो पैसे उनको। ओके, थैंक यू, स्पसिबा, स्पसिबा मैम, गुड लक। चलो फिर अब एक्सप्लोर करता है क्वींस पैलेस। ये हम दूसरे शॉप पे आए थे, कुछ पसंद आएगा? पसंद तो है बट टाइम कम है। मैंने ना ये चीज मॉस्को में भी नोटिस की थी और यहाँ पर भी नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी चीजें हैं ना मॉस्को का एक भी नहीं है। हाँ। और मॉस्को में जो भी था ना वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग एक भी नहीं था। जो जगह है उसी की मेमोरीज है, बढ़िया है। ये कुछ समझ में तो नहीं आया। नहीं समझ में तो आया, नीचे है ना कैथरीन पैलेस, ग्रैंड ड्यूक पॉल्स रूम एंड पैलेस चैपल, ठीक है इतना तो टाइमिंग है। और यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी, व्हाट इज दिस, नो फोटोग्राफी। क्या कॉस्ट है टिकट का? इस पे लिखा है 1200, अगर सिर्फ पार्क में जाना है तो 150, पैलेस के अंदर का 1200। पैलेस के अंदर और पार्क का होगा ना? पार्क अलग है, सिर्फ पार्क में अगर घूमना है तो 150 है, काफी एक्सपेंसिव। कैश, कैमरा संभालना, बस गिरा मत देना। ले लिया सब फोटो में? अच्छा ये रेड वाला ले ले, रेड वाला है, क्या वार्निंग होगा शायद। ओके थैंक यू, डन। क्या समझ में नहीं आ रहा है ये 4:30 बजे का टाइम क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? एंट्रेंस टाइम 4:30 बजे। पार्क में तो जा सकते हैं, पार्क में तो जाएंगे, चलो चलते हैं उसकी तरफ। देखो हम लोगों ने टिकट तो ले लिया है, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एंट्रेंस कहाँ से है। अभी हम कहाँ खड़े हैं, इन्होंने ये मैप दिया है टिकट के साथ में, समझ नहीं आ रहा है कि किधर से अंदर घुसे हैं किधर से जाएं। वैसे अच्छा है कि इस मैप में अपने को इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में नहीं, इधर इंग्लिश है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है ना हम यहाँ पर है अभी, ये जो गोला है ये गोले में हम है और पैलेस इधर है, कैथरीन पैलेस। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये झूठ भी हो सकता है, तो एक काम करते हैं चलते हैं अंदर, समझते हैं, धक्के खाएंगे ना यहाँ वहाँ, इनको समझाएंगे दिल की भाषा से, समझने की कोशिश करें। चलो टिकट हमारे पास, और टिकट के पीछे तुमने देखा क्या है, रशियन गोल्ड। चलो आ जाओ कैथरीन से मिल के आएंगे। टिकट उन्होंने लिया ना, अपने पास ही रह गया। पूनम कह रही थी कि यार ये टिकट कोई मुझसे ले ना, तो इसको एज अ मेमोरी रखेगी ना। इसमें मेरा बर्थडे है, हम जिस दिन बुर्ज खलीफा गए थे ना, जो वीआईपी पास था ना वो भी मैंने संभाल के रखा। मैंने भी रखा। जो कोविड टेस्ट करने के बाद उन्होंने पासपोर्ट चिपकाया था ना वो भी मैंने संभाल के रखा था। वो तो मेरा अभी भी पासपोर्ट पे, मैं वो किसी को निकालने भी नहीं देती। अरे मैंने लैपटॉप पे चिपका दिया था उसको। और मेरा वो स्काई वीआईपी का जो स्टिकर हाथ में डाला था वो भी है। ये अंकल जी यहाँ पर मस्त अभी फ्लूट बजा रहे थे, जो आपने बैकग्राउंड में सुना होगा ना वो इनका ही था। क्रेडिट दे देता हूँ, मैंने तो बोलेंगे कि यार ऐसे पैलेस के अंदर ना ठंड का स्तर काफी ज्यादा है। यहाँ पर अगर हम ऐसे छांव में कहीं खड़े हैं ना तो काफी ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन जैसे धूप के सामने आ रहे तो फिर ठीक लग रहा है। और हमारे सामने है कैथरीन पैलेस, वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को कलर कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया लगा, मैं भी अपने महल का कलर यही करूंगा। यार सही लग रहा है। ये सामने का हिस्सा है या पीछे का हिस्सा है? ये अभी अभी एंटर किया ना तो अभी लोगों को पता नहीं है ज्यादा, तो थोड़ा पता लगाते हैं, अगर कुछ इधर उधर हो जाए ना तो माफ कर दीजिएगा। देखो महल सामने है, हम चल के यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट की तरफ पॉन्ड है और एक लेफ्ट की तरफ पॉन्ड है। तो मुझे लगता था कि यहाँ पर चिल प्लेस होगा, नहाने वाने का कुछ इंतजाम होगा या फिर आई डोंट नो क्या चीज़ है। तो अभी हम क्या है ना कि अंदर आ चुके हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको एक्सप्लोर करें। तो हमारे पास जो मैप है उस मैप को थोड़ा समझूंगा अभी, और समझने के बाद एक कोने से दूसरे कोने तक 1200 रूबल वसूली। तेरे को बनना है वसूली बहन, वसूली होए वो वसूल कौन है? गोलमाल वो वसूली नहीं कर पाता, लेकिन अपने को वसूली करना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जगह काफी अच्छी है, वर्थ है मेरे को लगता है यहाँ पर। अगर हम कंपेयर करें जो हमने वहाँ देखा था बाहर से, वैसे ही है, बस थोड़ी सी ऐसा है कि एक जैसे महारानी लोग रहते होंगे तो उनका। और ये जो पैसा हमने दिया ये शायद पार्क का नहीं है, ये अंदर जाने का पैसा है। ये अंदर जाने का पैसा है, अंदर के जो रूम्स है, और अंदर भी अलग अलग टाइप्स के रूम है, उसमें से सबसे फेमस एम्बर रूम है। हम वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर गूगल करके फोटोज देखोगे एवरीथिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, और बहुत सुंदर रूम है। मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा वो रूम में करती क्या थी महारानी कि वो इतना फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस रूम है। मुझे लगता है कि रूम होगा सो मतलब जो हम करते हैं उनका बेडरूम या कुछ बेडरूम होगा, और क्या मतलब उनकी जब महारानी होंगी तो महारानी वाला स्टाइल होगा ना उनका, वो तैयार कई और रूम में होती होंगी, उनका रूम सोने का रूम कोई और होगा, यहाँ टहलने आते होंगे। ये कितना पुराना, 300 साल पुराना होगा ये। हाँ। बहुत पुराना। और अंदर भी जो म्यूजियम है उसके अंदर भी काफी सारी चीजें है जो 300 साल पुरानी है। बढ़िया है, अच्छा है। थर्ड नंबर पे कैमरॉन गैलरी, कैमरॉन गैलरी किधर है? थर्ड नंबर मतलब उस तरफ, वो है कैमरॉन गैलरी। अपर बाथ हाउस, लोअर बाथ हाउस, 4-5, ये 4 और ये 5।
ओके, ये बाथ हाउस था, ये जो पॉन्ड है यहाँ पर, सही। हाँ, मैंने अंदाजे में सही कहा, ये यहाँ पर आते थे लोग नहाने के लिए, सही है अंदाजे में, कभी कभी मैं दे देता हूँ सही। ठीक है, तो पूरे मैप को समझते हैं, और आपका मोहम्मद सलीम खान आपको कैथरीन पैलेस की सैर कराएगा फ्रॉम रशिया सेंट पीटर्सबर्ग। देखो अभी मैं समझता हूँ ना, यहाँ पर पूरा मजा आएगा, मजा नहीं आए तो पैसे वापस, ऐसा बोलना पड़ेगा अपने को। क्या एड चलाते ना यूट्यूब वाले, मजा नहीं है तो एड वापस। यहाँ कोई मस्त सिटी बजा रहा है, सिटी इसको बैग में रख देते क्या।